हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल अनुजिंदल.in। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्ग्यूमेंट के डिफरेंट टाइप्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और हमने पिछली वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे जैसे कि मूड्स, फिगर्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स के अलग अलग फॉर्म बताने वाला हूँ, वैलिड एंड इनवैलिड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसके अलावा हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली और वीडियोस का भी बेनिफिट उठा पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आर्ग्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो टाइप्स की हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की ही बात करेंगे। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो या तो वैलिड हो सकती है या फिर वो इनवैलिड हो सकती है। अगर आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है तब तो मतलब वो गलत ही है, और वैलिड आर्ग्यूमेंट है मतलब वो सही है, राइट। बट अब वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। आर्ग्यूमेंट कैन बी ट्रू ऑल्सो एंड आर्ग्यूमेंट आपकी फॉल्स भी हो सकती है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि आर्ग्यूमेंट का ट्रू है कि यह फॉल्स है उससे आपको मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको कोई सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया है या स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन आया है तो आप वहां पे ये मैटर नहीं कर रहा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, मैटर ये करता है कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं इस चीज को समझा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स मैंने सेम ही लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये मैंने कोशिश करी है कि सिंपल से सिंपल वे में आपको मैं समझाऊं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो जो ट्रू एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है उसको हम साउंड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो ट्रू एंड वैलिड का एक एग्जाम्पल लिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, सो सोक्रेट्स इज मॉर्टल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू भी है और वैलिड भी है। कैसे ट्रू कैसे है? क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं अगर आप सोचें, क्योंकि सारे लोग मॉर्टल हैं, सभी लोगों को एक ना एक दिन मरना है। देन सोक्रेट्स इज अ मैन, सोक्रेट्स मैन था, सबको पता है, वो बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, राइट। एंड सोक्रेट्स इज मॉर्टल, क्योंकि सोक्रेट मैन है तो वो भी मॉर्टल है। तो स्टेटमेंट तीनों सही है और स्टेटमेंट वैलिड भी है। तो यहाँ पे जो वैलिड और इनवैलिड होता है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है या आर्ग्यूमेंट की फॉर्म क्या है। अगर आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर सही है तो वो वैलिड है, और सही नहीं है तो इनवैलिड है, राइट। सो ये जो आर्ग्यूमेंट है इट इज बोथ ट्रू एज वेल एज वैलिड। तो इसको हम बोलेंगे साउंड आर्ग्यूमेंट, इसको हम साउंड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट देखें फॉल्स एंड वैलिड, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोपोजिशंस है, प्रोपोजिशंस आपकी फॉल्स हैं, बट लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो मैंने आपको वही बोला कि एग्जाम में जो आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली उसमें प्रोपोजिशंस फॉल्स ही होती हैं, बट वो आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट वैलिड होनी चाहिए, फॉल्स है या ट्रू है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट्स के 4 टाइप्स हैं, ट्रू एंड वैलिड, फॉल्स एंड वैलिड, ट्रू बट इनवैलिड, एंड फॉल्स एंड इनवैलिड। तो इस केस में ऑल मैन आर ग्रीन, तो ये स्टेटमेंट आपको पता है कि ये फॉल्स है, क्योंकि सारे लोग हरे रंग के थोड़ी ना है। तो ऑल मैन आर ग्रीन ये फॉल्स स्टेटमेंट है या फॉल्स प्रोपोजिशन है। सोक्रेट्स इज अ मैन, ये स्टेटमेंट सही है। देन सोक्रेट्स इज ग्रीन, बट ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है। तो आप देखेंगे हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है अकॉर्डिंग टू डिडक्शन। अगर ऑल मैन ग्रीन है, सोक्रेट्स मैन है, तो सोक्रेट्स ग्रीन होगा, राइट। सो द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड बट स्टेटमेंट्स, 2 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। देन अगर हम बात करें ट्रू बट इनवैलिड, तो यहां पे स्टेटमेंट्स ट्रू है बट आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। कैसे देखते हैं, सम मैन आर मॉर्टल, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर ऑल मैन मॉर्टल, अगर सारे लोग मॉर्टल है तो सम तो होंगे ही ना भाई। अगर मैं कहता हूं सारे, ये मान लो ये यूनिवर्स है, सारे लोग मॉर्टल हैं, तो उसका कुछ पार्ट भी होगा। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बताऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे ऑल और सम का केस। तो सम मैन आर मॉर्टल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सोक्रेट्स इज अ मैन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड सोक्रेट्स इज मॉर्टल, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आर्ग्यूमेंट की तीनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि कुछ मैन मॉर्टल हैं और सोक्रेट्स मैन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सोक्रेट्स मॉर्टल हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ही लोग मॉर्टल हैं, हो सकता है कुछ लोग मॉर्टल ना हो अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहां पे सोक्रेट्स जरूरी नहीं है कि वो मॉर्टल हो। तो जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन हमारा सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता, तो इसलिए ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। एंड फाइनली अगर हम फोर्थ टाइप देखें, फॉल्स एंड इनवैलिड, इसमें स्टेटमेंट भी फॉल्स है और आर्ग्यूमेंट भी इनवैलिड है। देखते हैं, सम मैन आर ग्रीन, ये फॉल्स है, कुछ लोग हरे हैं, हरे रंग के लोग तो नहीं होते। सोक्रेट्स इज अ मैन, ये स्टेटमेंट सही है। देन सोक्रेट्स इज ग्रीन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो तीन में से दो स्टेटमेंट्स तो गलत ही हैं, तो ये फॉल्स हो गई, क्योंकि ट्रू जब ही होगी जब तीनों स्टेटमेंट्स राइट हैं। अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगी पूरी आर्ग्यूमेंट। देन ये इनवैलिड भी है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि अगर सम मैन ग्रीन है और सोक्रेट्स मैन है तो जरूरी नहीं है कि सोक्रेट्स ग्रीन हो, वो ग्रीन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि कुछ ही लोग ग्रीन है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ग्रीन ना हो, अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स जो है इन्हीं चार में से किसी टाइप में लाई करेगी, राइट। तो ये दोनों जो है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हो गई और ये दोनों हो गई इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके UGC नेट पेपर 1 के लिए, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ ये। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो होती हैं वो चार टाइप्स की होती हैं। कौन सी चार? ए, ई, आई, ओ। ए मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, आई मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड ओ मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव, राइट। तो अब हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं। तो देखिए, यहां पे हमने लिख दिया यूनिवर्सल, क्योंकि ए और ई जो है वो यूनिवर्सल टाइप प्रोपोजिशंस हैं, और यहां लिखा है पर्टिकुलर, क्योंकि आई और ओ जो है वो पर्टिकुलर टाइप प्रोपोजिशंस हैं। सिमिलरली यहां पे लिखा है पॉजिटिव, यहां लिखा है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए और आई जो है वो पॉजिटिव टाइप प्रोपोजिशंस हैं एंड ई एंड ओ जो है वो नेगेटिव टाइप प्रोपोजिशंस हैं। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो यूनिवर्सल और जो पर्टिकुलर है ये बेसिकली डील करते हैं क्वांटिटी से। सो दे आर क्वांटिटी, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर क्वालिटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करा है, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो अगर हम ए टाइप प्रोपोजिशन बोले तो क्या बनेगी? ऑल मैन आर मॉर्टल। ई में बनेगी नो मैन आर मॉर्टल, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। देन अगर हम आई स्टेटमेंट की बात करें तो ये बनेगी सम मैन आर मॉर्टल एंड ओ बनेगी सम मैन आर नॉट मॉर्टल, राइट। अब देखिए, मैं इनके रिलेशन की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं ए और ई स्टेटमेंट, तो ये आपस में कॉन्ट्ररी हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्ररीज, राइट। तो ऑल मैन आर मॉर्टल एंड नो मैन आर मॉर्टल, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये कॉन्ट्ररीज हैं। सिमिलरली अगर मैं आई और ओ की बात करूं तो ये है सब कॉन्ट्ररीज। तो सम मैन आर मॉर्टल और सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ये है सब कॉन्ट्ररीज। एंड अगर मैं बात करूं डायगनली ए एंड ओ या फिर ई एंड आई, अगर मैं इनकी बात करूं डायगनली तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं आप ध्यान से देखिए। यहां मैं कह रहा हूं ऑल मैन आर मॉर्टल, राइट, और यहां मैं क्या कह रहा हूं? सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो आप खुद ही सोचिए, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी ना। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग, एक तो मैं कह रहा हूं कि सारे लोग मॉर्टल हैं, यहां मैं कह रहा हूं कुछ लोग मॉर्टल नहीं है। या तो ये सही है या फिर ये सही है, दोनों तो सही नहीं हो सकती, ऑब्वियसली दोनों में से एक ही सही हो सकती है। क्योंकि अगर कुछ लोग भी मॉर्टल नहीं है तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है, राइट। ऐसे ही आप देखिए आई और ई को, यहां पे आप देखिए नो मैन आर मॉर्टल, इसका मतलब है कि एक सिंगल पर्सन भी मॉर्टल नहीं है। एंड अगर हम यहां देखिए, यहां कह रहे हैं सम मैन आर मॉर्टल, कि कुछ लोग तो मॉर्टल हैं, तो अगेन आई और ई ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं ए और आई या फिर ई और ओ, इनके रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए, ए और आई का मतलब क्या है? मैं यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं सब ऑल्टर्न, फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। तो इसका मतलब है अगर ऑल मैन आर मॉर्टल हैं तो सम मैन आर मॉर्टल तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर सारे लोग मॉर्टल हैं तो कुछ लोग भी तो होंगे ही ना, क्योंकि कुछ लोग सारे लोग का पार्ट है, बिकॉज सम इज अ सबसेट ऑफ ऑल, राइट। सो सब ऑल्टर्न। तो अगर हम ए से आई पे जा रहे हैं, ये हो गया आपका सब ऑल्टर्न। और यही मैं अगर आई से ए पे जाऊं, यानी कि सम मैन आर मॉर्टल से अगर हम ऑल मैन आर मॉर्टल की तरफ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपर ऑल्टर्न। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सुपर ऑल्टर्न। तो ये सुपर ऑल्टर्न ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ लोग मोटर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे होंगे, बट अगर सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, राइट। ऐसे अगर हम यहां पे देखें नेगेटिव प्रोपोजिशंस की तरफ, तो नो मैन आर मॉर्टल, अगर हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे सब ऑल्टर्न, और अगर हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल पे जा रहे हैं उसको बोलेंगे सुपर ऑल्टर्न। तो ये आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि इन स्टेटमेंट्स के बीच के रिलेशन को हम बोलते क्या है, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टर्न एंड सुपर ऑल्टर्न, राइट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हमें देखना है कि हम कौन सी स्टेटमेंट्स को कौन सी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे भी देखिए मैंने करा है ए जो है वो आई में कन्वर्ट हो सकती है। ए कौन सी है, ए है आपकी यूनिवर्सल पॉजिटिव और आई है आपकी पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव पर्टिकुलर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एरो आपको ध्यान रखना है, ये एरो वन वे है, ये टू वे एरो नहीं है। तो ए तो आई में हो सकता है, आई ए में नहीं हो सकता। तो ये एरो का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ये वन वे एरो है। सो ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू आई। कैसे? अगर मैं कहता हूं ऑल मैन आर मॉर्टल, तो सब मैन आर मॉर्टल ये भी सही है, क्योंकि अगर सारे मैन मॉर्टल है तो कुछ तो होंगे। और सिमिलरली सम मॉर्टल आर मैन, इसी को अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं घुमा दूं एक तरीके से तो वो भी सही है, सम मैन आर मॉर्टल तो सम मॉर्टल आर मैन। तो इस स्टेटमेंट से हम ये दो स्टेटमेंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सही है तो ये दोनों भी सही है, राइट। सो वी कैन कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू दीज टू स्टेटमेंट्स। तो ए टाइप जो स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है उसको हम आई टाइप प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी अगर हम फिर बात करें ई की, ई कौन सी है, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ई स्टेटमेंट जो है वो ई में ही कन्वर्ट होगी और किसी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो नो मैन आर मॉर्टल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो मॉर्टल आर मैन। वी कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, राइट। बट यहां पे आप ए को ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मैं कह रहा हूं ऑल मैन आर मॉर्टल, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल मॉर्टल आर मैन, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी क्यों नहीं है? अगर मैं यहां पे वेन डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो मान लीजिए ये अंदर वाला सर्कल जो है ये मैन है और बाहर वाला जो टोटल है वो मॉर्टल है। तो ऑल मैन, सारे मैन मॉर्टल तो हैं, बट क्या सारे मॉर्टल मैन हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये वाले जो मॉर्टल हैं ये तो मैन नहीं है। तो इसलिए ए जो है वो आई में कन्वर्ट हो रहा है, ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई की बात कर रहा है हमने, ई जो है वो ई में ही कन्वर्ट हो सकता है। तो नो मैन आर मॉर्टल, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि नो मॉर्टल आर मैन। तो इसको अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो मान लीजिए ये मैन है और ये मॉर्टल है। तो नो मैन आर मॉर्टल, कोई भी मैन मॉर्टल नहीं है, तो कोई भी मॉर्टल भी मैन नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये स्टेटमेंट है आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है, नो मैन आर मॉर्टल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें आई, तो आई टाइप की जो प्रोपोजिशन होगी वो भी आई टाइप में ही कन्वर्ट हो सकती है। अगर मैं कह रहा हूं सम मैन आर मॉर्टल, तो मैं कह सकता हूं सम मॉर्टल आर मैन। इसको भी अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू शो करूं, तो मान लीजिए ये दो सर्कल्स हैं, ये वाला मैन है, ये वाला मॉर्टल है। तो अगर कुछ मैन, अब देखिए कॉमन एरिया है, तो कुछ मैन अगर मॉर्टल हैं तो कुछ मॉर्टल मैन भी होंगे, राइट। सो इस स्टेटमेंट को आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर फाइनली मैं ओ टाइप स्टेटमेंट की बात करूं, तो सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ये ओ टाइप की जो स्टेटमेंट है ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कुछ मैन मॉर्टल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि सम मॉर्टल आर नॉट मैन, वो गलत हो जाएगा। तो ओ का कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाली जो कन्वर्जन की चीजें हैं आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स सही है कि नहीं। आप खुद वेन डायग्राम बना के चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाले की बात करी थी, ऑल मैन आर मॉर्टल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सम मैन आर मॉर्टल एंड सम मॉर्टल आर मैन। तो ये मैं कैसे कह रहा हूं, अगर हम इसी डायग्राम को देखें, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो अगर सारे मैन मॉर्टल हैं तो कुछ मैन तो मॉर्टल होंगे ही ऑब्वियसली। अगर ये सारा एरिया अगर मैन का जो है ये सारे मॉर्टल के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें से अगर सपोज करिए मैं इतना एरिया ले लूं सम मैन, तो ये भी तो मॉर्टल ही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ए को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई को हम ई में कर सकते हैं, आई को आई में और ओ का कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस टाइप का कि अगर ऑल मैन आर मॉर्टल है तो क्या सब मैन आर मॉर्टल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, राइट। इसी टाइप से अगर आपसे पूछे अगर सम मैन आर मॉर्टल है तो क्या सम मॉर्टल आर मैन है? हाँ बिल्कुल है। अगर ये है तो ये भी है, इसी टाइप से ये है तो ये दोनों भी हैं। बट यहाँ एरो का रोल है, ए से आप आई पे जा रहे हैं, आई से ए पे नहीं आ रहे, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ई जो है वो आप एक से दूसरे पे जा सकते हैं, इससे इस पे जा सकते हैं, इससे इस पे जा सकते हैं। ऐसे आई में भी आप जा सकते हैं, यहां से यहां भी जा सकते हैं और यहां से आप यहां भी जा सकते हैं। तो इसको हम डबल एरो भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो ये हमने कन्वर्जन के रूल सीखे। इसमें एक रूल और भी है, अगर हम ई स्टेटमेंट से ओ पे भी जा सकते हैं। कैसे? अगर मैं कह रहा हूं नो मैन आर मॉर्टल, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सम मैन आर नॉट मॉर्टल। तो हम ई से ओ की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल से पर्टिकुलर। बेसिकली ये भी क्या था, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर। तो आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा सकते हैं। तो अगर नो मैन आर मॉर्टल, तो मान लीजिए इसको आप अगर वेन डायग्राम के थ्रू शो करें तो ये मैन है और ये मॉर्टल है, ये मैन है और ये मॉर्टल है। तो नो मैन आर मॉर्टल, तो सम मैन आर नॉट मॉर्टल, तो कुछ मैन भी तो मॉर्टल नहीं है। अगर सारे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ई से ओ की तरफ आप जा सकते हैं। तो ई को भी आप ओ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओ को ई में नहीं कर सकते, क्योंकि ओ के केस में कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, राइट। अब आप जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग टाइप के टर्म्स यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो एक प्रोपोजिशन होती है वो चार चीजों से बनती है। वो चार चीजें क्या होती हैं? क्वांटिफायर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉप्यूला प्लस प्रेडिकेट। तो एक जो आपका प्रोपोजिशन होता है वो इन चार चीजों से बनता है। तो जो हमारे क्वांटिफायर होते हैं, तो जो हमारे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वांटिफायर, वो तीन है, ऑल, सम एंड नो, नो या फिर नन। तो ये ऑल, सम और नो, ये हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिफायर्स हैं। बट कई बार हमें क्वेश्चन में अलग टाइप के क्वांटिफायर्स दे देते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, फ्यू, मैनी। तो उन क्वांटिफायर्स को हमें स्टैंडर्ड क्वांटिफायर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यानी कि अगर हमें कोई प्रोपोजिशन दी गई है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें देखना चाहिए कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की स्टेटमेंट है, ए है, ई है, आई है कि ओ है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए टाइप प्रोपोजिशंस की। तो इसमें आपको एग्जाम में किस किस टाइप की स्टेटमेंट्स दी जा सकती है। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन ऑल मैन आर मॉर्टल, अगर मैं इसकी बात करूं ऑल मैन आर मॉर्टल, तो इस चीज को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। एवरी मैन इज मॉर्टल, ये भी आपको एग्जाम में लिखा हो सकता है। Each man is mortal, या फिर any one of the men is mortal। तो इन तीनों ही चीजों का मतलब यही है कि all men are mortal, बस कहने का तरीका अलग है। तो एग्जाम में इसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि वो all men are mortal की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये every, each, anyone, ये सारे A टाइप प्रोपोजिशन में ही आएंगे, राइट। ऐसी नेक्स्ट में बात करूं अगर E टाइप में, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन क्या होता है इसमें? नो मैन आर मॉर्टल। अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात लूं, क्योंकि हर चीज मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो। तो नो मैन आर मॉर्टल, तो इसको कहने का और भी तरीका क्या हो सकता है? नेवर मैन आर मॉर्टल, या फिर नन ऑफ द मैन इज मॉर्टल। तो ऐसी और भी तरीके से हम इसी बात को बोल सकते हैं। तो आपको यह समझना है कि इसका मतलब है कि नो मैन आर मॉर्टल, यानी कि ई टाइप प्रोपोजिशन। अगर हम ऐसी नेक्स्ट आई टाइप की बात करें, तो आई टाइप को कहने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? सम मैन आर मॉर्टल। तो अगर एग्जाम में आपको लिखा है अ फ्यू मैन आर मॉर्टल, या फिर मोस्ट ऑफ द मैन आर मॉर्टल, मैनी मैन आर मॉर्टल, मैन मे बी मॉर्टल, ये भी हो सकता है, या फिर ऑल मैन एक्सेप्ट फ्यू आर मॉर्टल। तो इन सभी बातों का मतलब क्या है? सम मैन आर मॉर्टल। मतलब बेसिक इंग्लिश ही है, वैसे तो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, बट मैंने फिर भी आपको समझाने के लिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर इस तरीके की कोई चीज लिखी है तो हमें पता हो कि वो कौन से टाइप की है। ऐसे अगर मैं ओ टाइप की बात करूं, इसमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी बात को कहने के और तरीके क्या हो सकते हैं, एवरी मैन इज नॉट मॉर्टल, या फिर मोस्ट ऑफ द मैन आर नॉट मॉर्टल। यहां पे मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, सर्टेन मैंगोज आर नॉट येलो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सम मैंगोज आर नॉट येलो। तो ये चीजें आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएंगी एग्जाम में, बट स्टिल आपको थोड़ा क्लियर हो कि आपको जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही प्रोपोजिशन दी जाए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा भी दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी सिंपल चीज है ये। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे समअप कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट्स, वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, साउंड आर्ग्यूमेंट, ये सब क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई जैसे कि कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, राइट। देन हमने डिस्कस किया कुछ कन्वर्जन के रूल्स कि आप किस टाइप की स्टेटमेंट को किस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे आप स्टेटमेंट्स को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में पढ़ाया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, और आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने यूजीसी नेट के लिए एक पर्टिकुलर चैनल भी बनाया है, अनुज जिंदल यूजीसी नेट, तो उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो वो आप तक पहुंच पाएं। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल, हैव अ नाइस डे।